नोएडा के सेक्टर 75 में एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। अपेक्स अथेना सोसाइटी के 14वीं मंजिल के कमरे में आग लगी है। आग के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह यहां पर बताई जा रही है। घर में दौरान लोगों को पड़ोसियों ने बाहर निकाला। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर, नोएडा के सेक्टर 75 का एक मामला जहां एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई। अपेक्स अथेना सोसाइटी का मामला है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से 14वीं मंजिल में एक फ्लैट में ये अचानक आग, और आग ने पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फ्लैट को अपने आगोश में ले लिया है। शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे की वजह बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय जो थे, आसपास के जो पड़ोसी थे, उन्होंने लोगों को यहाँ पर जो फ्लैट में मौजूद थे, घर के जो लोग थे, उनको बचाया। सूचना दी गई दमकल विभाग को और जैसे तैसे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो जिस दौरान ये आग लगी, घर में परिवार एक मौजूद था जिसे पड़ोसियों ने बाहर निकाला। अपेक्स एथेना सोसाइटी की 14वीं मंजिल है, वहां के एक फ्लैट में ये आज आग लगी। नोएडा के सेक्टर 75 का यह मामला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग पूरे फ्लैट को अपनी आगोश में ले चुकी है। पूरी तरीके से जो वहां पर सामान रखा था, जो फर्नीचर वगैरह था, वो तकरीबन पूरा जलकर खाक हो चुका है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 TV आपको यहाँ पर दिखा रहा है भीषण आग की, जिसके चलते आज एक परिवार के साथ एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से परिवार बचा लिया गया है। जब सचेतन देखी तो आग बहुत तेजी थी, तो मैंने सिलेंडर उठाया। सबसे पहले सिलेंडर से आग बुझाई, जब मुझे नहीं आग भड़कने लगी, जब पानी कोई नहीं था, पानी यहाँ नहीं, पानी नहीं था। जब आग भड़कने अंदर में अंदर में पानी था, स्प्रिंकलर में पानी था, सुपरवाइजर को बताया, तब मेरे सुपरवाइजर सिक्योरिटी को सिलेंडर लेके नीचे ले आए। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गिरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, जिस वक्त ये आग लगी, उस दौरान वहां फ्लैट में कितने लोग मौजूद थे, घर के कितने सदस्य मौजूद थे, और अभी तक क्या साफ हो पाया है आग किस वजह से लगी? आज सुबह के करीब आग लगी थी, उस वक्त करीब 4 से 5 लोग का परिवार है जो इस फ्लैट में रहता है। अचानक ही आग लग गई, उनको वो लोग सो रहे थे, जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो उनको जानकारी दी, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर, सबसे बड़ी बात ये रही कि जो आग बुझाने के उपकरण कम थे, पड़ोसियों ने मदद की, तब जाके इस आग पर काबू पाया गया। यानी कि जिस तरह से अगर हम देखें एक बिल्डिंग में, तो आग बुझाने की तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, वो होती हैं। यानी कि एक लॉस यहां पर कह सकते हैं ये नहीं था, तो वक्त पर रहते हुए आग पर शायद जल्दी काबू पाया जाता। जी निश्चित तौर पर, जिस तरह से हाई राइज बिल्डिंग होती है, लाखों करोड़ों की कीमत होती है, इनकी बिल्डर तमाम तरह के वादे करता है कि आपकी सुरक्षा होगी, उसके बावजूद आज जिस तरह से ये हादसा हुआ, जो आस पड़ोस के लोगों का कहना भी है कि यहाँ पे जो फायर फाइटिंग के पूरे इंतजाम नहीं थे, अगर आस पड़ोस में लोग सहायता नहीं करते थे तो और बड़ा हादसा हो सकता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गिरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।